निजी शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त अनियमितताओं एवं मनमाने तरीके से हो रहे फीस वसूली का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध जताया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंगलवार को 14 सूत्रीय मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मुख्य मांग ये कि एक विद्यालय में एक बार प्रवेश लेने पर विद्यार्थी कक्षा 12 तक पढ़ाई कर सकता है, लेकिन वर्तमान समय में जिले के सभी निजी विद्यालय हर कक्षा में प्रवेश शुल्क ले रहे हैं, जिसे तत्काल रूप से रोका जाए। निजी विद्यालयों में व्याप्त अनियमितताओं के निगरानी के लिए जिला प्रशासन की एक निगरानी समिति होनी चाहिए, जो समय समय पर इन समस्त गतिविधियों पर ध्यान रख सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हर्षवर्धन सिंह ने कहा, शिक्षा का व्यापारीकरण बंद करो, बंद करो। अवैध वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। ज्ञानशील एकता संसद की विशेषता, ज्ञानशील एकता संसद की विशेषता। कालाबाजारीकरण बंद करो, बंद करो। अवैध वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर महानगर द्वारा गोरखपुर जिले में जितने भी निजी विद्यालय हैं उसमें जिस प्रकार से धड़ल्ले से फीस वसूली की जा रही है, जितनी भी प्रकार की अनियमितताएं हैं उसको लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर महानगर जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रही है। पिछले साल राज्य सरकार ने जो सारी निजी विद्यालयों के लिए अपने मानक तय किए थे, उस मानक के अनुरूप भी जिले में कोई भी निजी विद्यालय नहीं चल रहा है, चाहे वो फीस का लेकर हो, चाहे किसी भी प्रकार की जो भी उनमें सुविधा दी जाने वाली हो। और जितने भी प्रवेश हैं, पिछले साल राज्य सरकार का ये एकदम साफ रेगुलेशन आया था कि बच्चा 12वीं तक केवल एक बार एक विद्यालय में प्रवेश देकर वो पढ़ सकता है, लेकिन इस बार वो अपना प्रवेश ले रहा है और हर बार उसको प्रवेश शुल्क देना पड़ रहा है, जिससे कि जिला प्रशासन का ध्यान उसके तरफ बिल्कुल नहीं है। 25% जो सीट आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े विद्यार्थी हैं, हर विद्यालय के हर कक्षा में उनके लिए है, जो जिला प्रशासन नहीं दे रहा है, केवल 2 दिन पे यहाँ पे चश्मा कर देते हैं और वो अपने जितने मैनेजमेंट सीट है उस सीट से उसको भर देते हैं। और जिस प्रकार के ये है कि किसी भी पेटेंट दुकान से वो अपने स्कूल का ड्रेस कापी किताब नहीं खरीदने को बाध्य कर सकते हैं, उसके अनुरूप भी वो उसको बाध्य कर रहे हैं। कोई भी विद्यालय जो पिछले मतलब 5 सालों तक अपने स्कूल का ड्रेस नहीं बदल सकता है, वो प्रति वर्ष अपने हाउस का येलो हाउस ग्रीन हाउस करके, जिसका दाम केवल बनवाने में 150 रुपए आता है, अभिभावकों से 500-500 रुपए वसूल रहे हैं। इस प्रकार की कई अनियमितताएं हैं, लेकर चाहे वो चिकित्सा किट के लेके हो, चाहे वो शिक्षक छात्र अनुपात को लेके हो, चाहे अपने स्कूल में दी गई जो वो मान्यता लेने के लिए मानक तय रहता है, उस मानक को उस समय तो दिखा लेते हैं लेकिन बाद में उस मानक को नहीं शो करते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन अपनी जितनी भी निगरानी समिति है वो अपनी निगरानी समिति को तय करे, जो जिले में इस प्रकार की व्यवस्था को देखे और इसको सुचारू रूप से सुदृढ़ करे। विद्यालयों का ये मानक है कि वो अपने प्रवेश से 60 दिन पूर्व अपने मतलब विद्यालय के साइट पे या अपने विद्यालय के सूचना पट पे प्रकार के फीसों का विवरण अंकित करें, लेकिन किसी भी विद्यालय में ऐसा नहीं चल रहा है। 1 अप्रैल से उसकी सारी प्रवेश चालू है, लेकिन वो धड़ल्ले से फीस वसूली, अवैध फीस वसूली और बाजारीकरण कर रहे हैं, जिससे कि आर्थिक और तबके जो अपने बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा देना चाहता है वो शिक्षा नहीं दे पा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरखपुर महानगर ये जिला प्रशासन से मांग करती है कि इस प्रकार की निगरानी समिति बनाए और इसकी एक नियामक समिति मंडलायुक्त के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय बनाए, जिससे कि इस पर निगरानी रखी जा सके और इन सभी बातों को तय किया जा सके कि निजी विद्यालयों पे एक अनुरूप मापदंड जो राज्य सरकार का अपना ऑर्डिनेंस है उसके तहत इसको लागू हो। विद्यार्थी परिषद की यही मांग है। धन्यवाद।